नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पांजरिया गांव में मौजूद हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि खंडवा जिले में खरगोन जिले के गोगावा निवासी एक भू माफिया यासीन खत्री ने यहां पर एक अवैध कॉलोनी काटी थी और कॉलोनी काट कर यहाँ पर लोगों को एक एक प्लाटों की कई सारी रजिस्ट्रियां कर दी। और कई ऐसे भी गरीब लोग हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और इस तरह से गर्म लोहा करके उसको पीट के एक एक रुपये जोड़ते हैं, जैसे तैसे अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो उक्त भू माफिया ने ऐसे गरीब लोगों के भी पैसे लेकर चला गया है और ये गरीब लोग अपने पैसों का अभी तक इंतजार कर रहे हैं। तो इन्होंने भी अपनी पैसे जो रात दिन की जो सिलक एकत्रित की थी, जो खून पसीने की कमाई एकत्रित की थी, उसके अलावा इन्होंने बैंकों से कर्जा भी लिया, लोन भी लिया, उसके बाद इन्होंने अपनी जमा पूंजी उक्त भू माफिया के हवाले कर दी ताकि इनको भी एक प्लाट मिल जाए। लेकिन उक्त भू माफिया इनके गाढ़े पसीने की कमाई के पैसे लेकर भाग गया है और ये गरीब लोग अपने इनको ना तो पैसा मिल पा रहा है और ना ही इन्हें उक्त प्लाट के ऊपर कब्जा मिल पा रहा है। तो ये खबर करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम यहाँ पे जो पीड़ित हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। हमारी इन लोगों से बात हुई है, इनका ये कहना है कि जो व्यक्ति इनके पैसे लेकर भागा है वो इनके पैसे नहीं देगा तो ये लोग उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जल्द ही। और फिलहाल इस समय इनके परिवार में एक बच्चे का स्वास्थ्य खराब है जो अभी बेंगलोर में जिसका उपचार किया जा रहा है, तो परिवार काफी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो हम ये परिवार के लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गोविंद जी। क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहते हैं, हमारे प्लाट दे दो नहीं तो फिर पैसे दे दो जी। ऐसा तो कैसे लेके गया हमने पैसे आपसे? पैसे उनको नगद पैसे दिए हमने जी, उनको नगद पैसे दिए और प्लाट डबल से वो पहले बेचा हुआ था जी, वो उसके बाद में हमको बेचा। हाँ, उसके बाद में फिर वो नामांतरण नहीं हुआ, नामांतरण नहीं हुआ, ये हुआ था जी, रजिस्ट्री हो गई, वो नामकरण नहीं हुआ जी। क्या कहना है आपका? क्या नाम है आपका? लाड़की। आप कहाँ पे रहते हैं? पांजरे में रहते हैं हम जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह से आपने जो पैसे कैसे इकट्ठे किए थे आपने? पैसे हमने लोन उठाया था, फिर हमारी रकम गिरवे तोड़ मोड़ करवा के ने फिर हमने प्लाट लिया था जी। साल भर हो गए हमको जी, वो प्लाट भी नहीं दे रहा ना पैसे दे रहा हमको जी। रजिस्ट्री हो गई, नामांतर नहीं बना था मेरा। अच्छा, तो आपने कितने रुपए दे दिए? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए दे दिए? 2.5 लाख। तो वो कहाँ पर है अभी, क्या कुछ पता चला है? उसके घर गए थे 2-3 बार होकर आए, तो उसके घर वाले ऐसे बोल रहे कि वो 3 महीने बाद आएगा तो जब भी कुछ होएगा तुम्हारा। अच्छा, तो आपने जो पैसा लिया उस पे ब्याज भी चल रहा है? हाँ, ब्याज चल रहा है ना जी। ठीक है, बैंक से लोन उठाया था जी। अभी आपके क्या परिवार में कोई बच्चे की तबीयत खराब है? हाँ, बच्चे की तबीयत खराब है, मेरे लड़के की हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसका ऑपरेशन होगा बेंगलोर में। अच्छा, तो अभी हम 20 तारीख को जाएंगे। अच्छा, तो आप मतलब अभी परेशान चल रहे हैं? हाँ, और आपका पैसा भी नहीं मिल पा रहा और प्लाट भी नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा, बहुत परेशान है सर जी। तो आपने देखा कि हमारे यहाँ पर जो बात हुई है, जो परिवार है ये रोड के बाजू में यहाँ पर कृषि यंत्र बनाने का काम करते हैं। दिन भर ये लोग मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि ये लोग अपने कुछ सपने पूरे कर पाए, और इसी उम्मीद के साथ इन्होंने कुछ पैसा एकत्रित किया था और प्लाट वाले को पैसे दिए उक्त भू माफिया यासीन खत्री को, जो इनके ना तो पैसे लौटा रहा है और ना इन्हें जमीन दे रहा है। तो ये परिवार काफी परेशान है, काफी चिंतित है। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।